हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभम गर। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, कुछ ऐसे सरफेस होते हैं या कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनको हम बार बार वॉश क्लीन नहीं कर सकते, पर उन पे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, तो उसको हम किल कैसे करें? तो उस जगह पर यूज होता है डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक सीजर। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी आई है, हमने ये अमेज़न से मंगवाया है। तो गाइस ये देखिए, इसमें मिनिमम दो क्वांटिटी आती है, आप एक क्वांटिटी नहीं मंगवा सकते। हमें एक डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे पड़ा है 160 का, दूसरा 160 का, तो टोटल 320 रुपीज़ का, और प्लस डिलीवरी चार्जेस लगते हैं 40 रुपीज़, तो हमें टोटल 360 रुपीज़ का पड़ा है। तो अब बढ़ते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स की तरफ। इसके कॉम्पिटिटर्स में तीन कंपनीज आती है, लाइफ बॉय, सेवलॉन एंड एंटी स्प्रे। तो पर हमें तो सबसे अच्छा डेटॉल का लगता है, हम आपको भी डेटॉल का प्रेफर करेंगे, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है ब्रांड, पर सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुल कंपनी ब्रांड डेटॉल है। यह आता है ग्रीन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में, और इसका जो फ्लेवर है वो ओरिजिनल पाइन का फ्लेवर है। तो इसमें आता है इथेनॉल 60%, एब्सोल्यूट एल्कोहल 57.85%, प्योरीफाइड वाटर IP, प्रोपेलेंट LPG एंड सोडियम बेंजोट परफ्यूम, टेरशरी एल्कोहल डेनेटोयम बेंजोट, और ये आता है ओरिजिनल पाइन के फ्लेवर में, और इस पर लिखा है इट किल्स 99.99 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, एलिमिनेट्स ऑर्डर कॉजिंग बैक्टीरिया। तो गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस पर ऐसा नहीं लिखा कि ये कोरोना वायरस किल करता है, इस पर लिखा है इट किल्स H1N1 वायरस। तो अब हम बात करते हैं इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे कोई डिलीवरी बॉक्स आया है, इसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। कोई प्लास्टिक है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसको डोर्स पे यूज़ कर सकते हो, कबर्ड में यूज़ कर सकते हो। कोई डोर हैंडल्स आप ओपन कर रहे हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हो। इसको आप टॉयलेट एरिया में भी यूज़ कर सकते हो, डस्टबिन में भी यूज़ कर सकते हो, किचन सिंक में यूज़ कर सकते हो, डोर नॉब्स में यूज़ कर सकते हो, शावर बेसिस, टैप्स, मैट्रेसेस में यूज़ कर सकते हो, कार सीट्स पे यूज़ कर सकते हो, सोफ़ास, कर्टेंस, कारपेट्स। तो गाइस आपको यूज़ करने के बाद इसे बिल्कुल भी वाइप करने की यानी कि पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई पर्टिकुलर वायरस कार्डबोर्ड पर एक दिन तक रहता है और प्लास्टिक पर 3 दिन तक रहता है, तो उसे किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेड स्प्रे। डेटॉल का जो डिसइंफेक्टेड स्प्रे है, वो स्प्रे करते ही उससे 1 सेकंड में जो वायरस है वो किल हो जाता है। तो चलिए हम आपको इसको यूज़ करना बताते हैं। इसको आपको कम से कम 8 से 10 इंच की दूरी से स्प्रे करना है। तो चलिए हम आपको बता। तो गाइस आपको इसे 8 से 10 इंच की दूरी से स्प्रे करना है, जैसे कि ऐसे। तो आपने देखा जैसे मैंने स्प्रे किया 8 से 10 इंच की दूरी से। अगर आप इसको पास से स्प्रे करोगे ना तो ये एक ही जगह पर रहेगा, फैलेगा नहीं, पर आप अगर आप इसको 8 से 10 इंच की दूरी से स्प्रे करोगे तो ये कॉर्नर्स तक अच्छी तरह फैल जाएगा, जिससे जो भी वायरस होगा बॉक्स पर वो पूरा किल हो जाएगा। और प्लास्टिक पर स्प्रे करने से ये 1.5 मिनट में सूख जाता है, जो भी इसमें गैस होती है, और कार्डबोर्ड पर स्प्रे करने से वो 10 सेकंड में सूख जाता है। तो गाइस अभी अभी हमने इसको स्प्रे किया है और इसकी फ्रेग्रेंस खुशबू बहुत अच्छी है। रियली आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डिटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, आप भी ऑर्डर करवाइए, रियली ट्रस्ट करिए मुझ पे, क्योंकि ये आपके लिए ही यूजफुल है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं,
या कि आप इसे बुक पे भी यूज कर सकते हैं, आपके पेज पे बिल्कुल भी कोई भी आपका पेज बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, बस अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी यूज मत करना और अपने क्लोथ पर यूज कर सकते हो और गैस पर बिल्कुल भी यूज मत करना क्योंकि इससे आग लग सकती है। गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट पेड प्रमोशन, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माय हार्ट एंड दिस इज आल्सो नॉट स्क्रिप्टेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।